जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम जी जी के डब्ल्यू गर्व एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह सुबह का समय है और आप लोग तो लास्ट वीडियो में दिखाए हैं और बताए हैं कि हम रांची आए हुए हैं और आज रांची आए हुए हैं। मेरी मौसी का बेटी मतलब बहन का शादी है और अभी हम लोग छत पर है, अभी रेडी हो चुका है और अभी हम नहाए नहीं हैं, अभी हम ऐसे ही हैं। जस्ट नहा कर फिर तैयार होंगे, अभी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अभी इन लोग तो तैयार हो चुके हैं, हम भी नहाएंगे। आसपास का माहौल कुछ इस तरह का है, लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, कॉलोनी है और इस कॉलोनी का नाम है गांधीनगर सीसीएल कॉलोनी। आगे में ग्राउंड भी है, मतलब पार्क टाइप का है। चलिए अभी यहाँ का आसपास का लोकेशन तो हम आप लोगों को दिखाएं। हम नाश्ता कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए बड़े मामा माँ मौसी सभी नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ नाश्ता करने दीजिए। चलिए अभी हम थोड़ा सा बाहर की ओर टहलते हैं, आप लोग दिखाते हैं आसपास का कैसा लोकेशन है। छत से हम दिखाएं आप लोग को आसपास का लोकेशन और अब इधर उधर का भी थोड़ा सा दिखाते जितना हो सके वीडियो के माध्यम से आसपास का लोकेशन। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग में से किसी को मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर मेरा शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो देखना है तो जाकर इंस्टाग्राम आईडी पर भी मेरा शॉर्ट अच्छा अच्छा डांस एंड कराटे का वीडियो देख सकते हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। अभी हम आप लोग बताएँ कि इस कॉलोनी में एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड के पास अभी हम आ गए हैं और यहाँ देखिए लिखा हुआ है झारखंड का गौरव कोयला। मतलब क्या ही बताएं, हम लोग झारखंड में पूरा कोयला ही कोयला भरा हुआ है और हम जिस जगह में रहते हैं धनबाद में उसको कहता है ब्लैक डायमंड एरिया, क्योंकि कोयला का खदाने है पूरा धनबाद में और सबसे पहले धनबाद में ही कोयला का खोज हुआ था, इसीलिए ब्लैक डायमंड एरिया बोला जाता है हम लोग धनबाद को। इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है झारखंड का गौरव कोयला। और ये है महात्मा गांधी कीडा नगर और ये है ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड एक्चुअल स्कूल का ग्राउंड है जो कि अभी सभी खेल रहे हैं स्कूल का। वहाँ पर स्कूल बस भी खड़ा है आगे में और यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना अपना खेल कर रहे हैं। ग्राउंड का है तो ग्राउंड में खेले होंगे, फ्री टाइम है मतलब गेम टाइम्स है तो खेल रहे होंगे। और यहाँ का भी आसपास का लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। अभी हम लोग बैठे हुए हैं बहन के साथ और इसी बहन का आज शादी है और शादी में किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तभी बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, मतलब जब भी रांची आते थे तो बहन पूरा रांची घुमाती थी हमको, लेकिन वही यादगार आ रहा कि अब बहन चल जाएगी कलकत्ता शादी होने के बाद, तो वो दिन याद आ रहा कि घुमाती थी इधर उधर जिधर, मतलब अच्छा अच्छा जगह है, भैया चलो इधर भैया उधर चलो। आप लोग तो वीडियो में हमसे आसपास का एरिया दिखाएं कि कैसा लोकेशन है और अब नहा कर फ्रेश हो लेते हैं। नहा कर फ्रेश हो गए हैं और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि शादी में क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। अब हम आप लोग दिखाएंगे जितना हो सके वीडियो के माध्यम से कि बंगाली समाज में ब्राह्मण घर में किस तरह से शादी में प्रोग्राम होता है, मतलब क्या क्या प्रोग्राम होता है शादी घर में। और मौसा जी का घर का आसपास का कुछ लोकेशन इस तरह का है जो कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। चलिए अभी शादी पार्टी में चलते हैं, मतलब शादी घर में, और आप लोग को प्रोग्राम दिखाते हैं अभी सुबह के समय क्या क्या हो रहा है। और यहाँ देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है, ज़बरदस्त फ़ोटो सेशन हुआ। और चलिए ये तो शादी का कुछ इस तरह का माहौल है। जोर हो
तरह का शादी में प्रोग्राम हुआ जितना हो सका हम आप लोग वीडियो माध्यम से दिखाएं। और अभी शाम हो चुका है और अब क्या क्या होने वाला है, रात का प्रोग्राम किस तरह से रिसेप्शन हो रहा है, मतलब किस तरह का माहौल रहेगा रिसेप्शन में, शादी कैसा होगा, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। शादी पार्टी के लिए हम लोग सभी रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मामा जी जूता पहन रहे हैं, मामा जी भी रेडी हो चुके हैं और माँ मौसी सभी मामा तो मेरे मामी सभी रेडी हो रहे हैं। तो चलिए अब रिसेप्शन में कैसा माहौल रहेगा, शादी किस तरह से हो रहा है, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। हम लोग अभी एक क्वार्टर में है, अभी अपना जहाँ पर शादी घर है मौसा जी का घर वहाँ आ चुके हैं और ये है मौसा जी का घर, कुछ इस तरह से डेकोरेशन किए हुए हैं। और ये है दूल्हा का गाड़ी, इस गाड़ी में दूल्हा जी आएंगे इस गाड़ी में, और कुछ इस तरह का डेकोरेशन किए हुए हैं। ये है डीजे बैंड पार्टी जो कि अभी बजाया जाएगा। चलिए आपको अंदर का भी थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं, हल्का फुल्का कैसा है। और उसके बाद ये रहा कुछ डेकोरेशन अंदर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सुबह तो हम आप लोग दिखाए थे लेकिन अभी जो लाइटिंग का काम है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए अभी जहाँ पर पार्टी होगा उस जगह में चलते हैं और आप लोग दिखाते हैं आज का माहौल कैसा रहेगा पार्टी से, मतलब रिसेप्शन पार्टी में। ये है मौसा जी का घर और ये है पार्टी हॉल, जस्ट आगे में ही है पार्टी हॉल। तो चलिए अभी गेट से एंट्री करते हैं और पार्टी हॉल का गेट के पास हम आ गए हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा है पार्टी हॉल का। ये है पार्टी हॉल का गेट का कुछ डेकोरेशन, यहाँ पर भी शोटोकन कराटे का मतलब क्लब है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और ये है गेट, इस तरह का डेकोरेशन किया हुआ है गेट का। चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल हम आप लोग दिखाते हैं। अगर आप लोग में से किसी को मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर मेरा शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो देखना है तो जाके इंस्टाग्राम आईडी पर मेरा शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो देख सकते हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो अभी तो खाली खाली है, उसके बाद कैसा पार्टी का माहौल रह गया तो हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि दिखाएंगे ही। अब हम आप लोगों से मिलाते हैं मेरे दादाजी को। ये है मेरे दादाजी और ये तो मामा जी है। आप लोग तो बहुत सारे वीडियो में परिचय करवाए हैं। कांग्रेस के रांची जिला सचिव। हाँ जी जोरे बोल अल्प। हाँ दादू से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और शादी पार्टी में तो मतलब नाम का है बाहर कामे में अगर निकल रहे हैं, छुट्टी भी नहीं लिए हैं दादाजी। तो चलिए बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे दादाजी के साथ। बहुत आप लोग तो सभी से मिलाते रहते हैं, अभी मिलिए मेरा बुआ जी से। मेरा बुआ जी है और दोस्त भी है
बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो मतलब मेरी माँ का मामा का बेटी है, इसीलिए बुआ जी है। तो अभी यहाँ पर स्टेज में अभी आया नहीं है दुल्हन जी, और दुल्हन आएगी उसके पहले ही फोटो शूट कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग पहले आप लोग से मिला लेते हैं, उसका जो जो होगा वो तो आप लोग वीडियो माध्यम से दिखाते ही रहेंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज दें प्लीज़। चलिए अभी बाहर निकलते हैं। माँ, मामी, मौसी और दादी और मेरा फ्रेंड सभी मिलकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ देखिए, जिस गाड़ी में दूल्हा जी आएंगे उसी गाड़ी में पहले बहन आई, मतलब दुल्हन आई, और अब दूल्हा जी को इसी गाड़ी में लाया जाएगा। हम लोग स्टॉल में आ चुके हैं और आए हुए हैं गुपचुप खाने के लिए, गोलगप्पा। खा रहे थे, माँ भी खा रही थी, तो चली गई उनका हो गया। अभी हम लोग चल रहा है, चलिए भाई खा लेते गोलगप्पा का मजा ले लेते। इधर दादाजी, मामा सभी खा रहे अपना गोलगप्पा, उधर जितना स्टॉल बैठा हुआ है सब में थोड़ा थोड़ा खाए, टेस्ट किए। और अभी हम लोग आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, ये लग रहा है ताड़ी में लग रहा है, हम लोग जो देसी ताड़ी बनता है ना उस टाइप का पी रही। लेकिन ये है नींबू पानी है, शिकंजी जिसे कहते हैं। और हम दारू ले लिए हैं, मतलब दारू नहीं है, मत सोचिए, ये है एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक्स है, कोको कोला है, तो पी लेते हैं। और यह दादी भी ताड़ी ले ली है, शिकंजी पीते हैं। अब हम आप लोग को चेंज वाला माहौल दिखाते हैं। यहाँ तो दुल्हन आ चुकी है, बैठी हुई है, और यह थोड़ा सा मेकअप को ठीक कर रही है, ये मेकअप है। और यहाँ देखिए आसपास का माहौल कैसा भीड़ भड़क्का हो चुका है। अब हम आप लोग को बाहर का माहौल भी दिखाते हैं किस तरह का है। यहाँ पर LED लगा हुआ है, बहन का ही शादी का दे रही है, कल जो हल्दी थी उसी का वीडियो चल रहा है यहाँ पर। और इधर देखिए, इधर का भी माहौल बहुत ही भीड़ भड़क्का वाला माहौल है, जो पहले हम दिखाते थे आपको शांत वाला माहौल, उससे बहुत ही चेंज हो चुका है। अब हम आ गए हैं जहाँ पर खान पान हो रहा है, मतलब जहाँ पर सभी डिनर कर रहे हैं पार्टी में, वहीं पर आ गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ का भी माहौल बहुत ही भीड़ भड़क्का हो चुका है। और चलिए चारों तीनों तरफ आप लोगों को हम दिखा दिए कैसा माहौल है आज रिसेप्शन में, पूरा भीड़ भड़क्का में भरा हुआ है। इतना बड़ा हॉल है कि इतना आदमी बुझा ही नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा आदमी है। दुल्हन का बायां साइड में मौसा जी है, मतलब दुल्हन का पापा जी हैं, और सभी मिलकर इंजॉय के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। बारात आ चुका है और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसा इंतजाम किया गया है। और यहाँ देखिए करण साउंड छोड़ा जा रहा है, देखिए गाड़ी पर बैठे हुए हैं दूल्हा जी, हम लोग का जमाए राजा। बारात और बाराती सभी तो आ गए हैं, और यहाँ देखिए बारात और बाराती को वेलकम करने के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर डांस हो रहा है, डांस देख लेते हैं पहले। Thank you.
कैसा एंट्री हो रहा दूल्हा जी का। सभी इंजॉय कर रहे हैं और मौसी भी सोच रही कि अब डिनर कर ले, मतलब खाना खा ले, क्या खावे तो खाएँ ना, लेकिन थर पन जाए। हाँ देखे लो कि क्या से देखे लो। हाँ यहाँ पर मेरी माँ मौसी रसमलाई खा रही है, खाना हो चुका है, डिनर कर ली है मेरी माँ मौसी। अब यहाँ पर प्यार से रसगुल्ला मतलब रसमलाई खा रही है। डिनर के लिए हम अपना ले लिए हैं जो खाना है हमको, और यहाँ पर ले लिए हैं तंदूरी रोटी, राइस, मटन, आलू कोफ्ता, और इधर भी बेबी नहीं मिला गाइस। तो चलिए अभी दोनों दोस्त मिलकर कटक लेते हैं, सबको ख़त्म कर लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक शादी में क्या क्या प्रोग्राम हुआ, जितना हो सके वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।